ब्रिटेन ने चीनी ऐप टिकटॉक पर एक्शन लेते हुए मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे बैन कर दिया है, तो वहीं अमेरिका ने भी टिकटॉक पर एक्शन की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन कर दिया है। गुरुवार को ब्रिटेन की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। ब्रिटेन की सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। सरकार के इस आदेश के बाद कोई भी मिनिस्टर या अफसर अपने फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ब्रिटेन सरकार का दावा है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस यूजर का डेटा चीनी सरकार को भेजती है। इसके लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी टिकटॉक ऐप पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। या यूं कहें कि टिकटॉक के लिए अमेरिका से भी एक बुरी खबर आ रही है। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टिकटॉक की चीन में मौजूद पेरेंट कंपनी इसका बड़ा हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचती, तो पूरे अमेरिका में इसे बैन कर दिया जाएगा। भारत में ये ऐप पहले ही बैन हो चुका है। वहीं बैन की बात करें तो सबसे पहले भारत ने सुरक्षा कारणों की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया था।